किसी ना किसी की कहानी एक ऐसी होती है बिल्कुल बिल्कुल कि एक टाइम पे उसने मेहनत बहुत करी होती है और रोया बहुत होता है। जब हाई स्कूल में था जी तो फेल हो गए थे क्या? फेल हो गया। क्लास कौन सी थी वो? अरे अच्छा ये एकदम यूनिक क्लास कौन सी था रही यार? अरे नहीं मुझे नहीं पता सच्ची में। फौज का यही रूटीन है कि सुबह जगो, मतलब सेम वही 4 बजे जगो। ओहो घर में अगर रोटी वोटी खानी पड़ेगी खानी पड़ेगी तो ये सब तो बाहर चलता है टोला पुलिस वाले कि भाई नहीं जो चीज है सो है थोड़ा है पुलिस वाले ना कोई रिश्तेदार साथ देता है ना कोई भाई ना कोई अपना कोई साथ। आप सक्सेस हो गए तो आपको सब लोग याद रखेंगे पूछेंगे और तो कोई साथ नहीं देता हमारे हिसाब से। जो मेरे साथ घटा है तो मैं यही चाहता हूँ कि कोई साथ नहीं देता। मैं सभी यूथ या युवाओं को मैं यही बताऊंगा कि आप जिस फील्ड में जाना चाहो चाहे वो डिफेंस हो या टीचर हो या कोई भी हो तो आप ये सोच लो कि आप मुझे एक एम बनाना है कि मैं सिर्फ डिफेंस में जाना मैं एम है कि मैं इसमें जाकर रहूंगा या टीचर हो या अदर हो या कुछ भी हो किसी चीज में आप एम बनाओ और उसके पीछे ऐसे लग जाओ कि बस यही ट्रैक है यही है मेरा ट्रैक और कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। अगर आपने भटका कि नहीं आज इसमें जाता हूँ एक साल बाद दूसरे में लाइन पे चला जाता हूँ बहुत सारे ऐसे हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं ना बरसाती में अटक तो भटक जाते हैं तो भटक जाते हैं कि 3 महीना ओ भाई पुलिस की भर्ती आ गई है। सो हेलो गाइस स्वागत है हमारा न्यू पॉडकास्ट में। तो आज के हमारे पॉडकास्ट के न्यू गेस्ट है ASI सर जिनका नाम है पुष्पेंद्र सर। तो मिल लो आप ही मिल लो सभी को मेरा नमस्कार जय हिंद सर। और भाई हमारे साथ इनको जानते हो ना आप मिस्टर टोपा ब्लॉगर तो आज भाई हम पुष्पेंद्र सर की टांग खींचने वाले हैं। ये सब की टांग खींचते आज अमीन की खींचे ये सबको चालान काटेंगे आज अमीन का काटेंगे चालान भाई ये भी नहीं होते हैं। सबसे बिल्कुल डार्क मेन टॉपिक पे ही आ जाते हैं ऐसा सवाल जो ना कभी किसी ने पूछा हो ना तुमने कभी बताया हो। ये बताओ प्रेजेंट में गर्लफ्रेंड है? ये इसलिए बुलाया ये यूनिक है एकदम। और यार पुलिस वालों की गर्लफ्रेंड और तेरी टोरा है सबका सही बताओ है कि नहीं है? वैसे तो झूठ मत बोलना सच बताना कोई बनी हो ऐसा तो कुछ नहीं है नहीं होगी बचपन में तो होगी बचपन की बात नहीं बोले फिर प्रेजेंट की। अरे बचपन में भी नहीं बहुत मजे लिए देखो अच्छा। इस चीजों में तो मैं कभी पढ़ा नहीं हूँ। नहीं पढ़ जाते तो ऐसा ही थोड़ी है ये यहाँ नहीं होते यहाँ नहीं होते अगर लड़की चक्कर में होते तो आज यहाँ ना बैठे रहते हमारे साथ। और मैं ज्यादातर चाहा कि अपने करियर पे ध्यान दूँ सही बात है। और तब मैं बहुत ही लो ग्राउंड से आता हूँ मेरे परिवार मेरे माताजी मेरे जो अच्छा इसीलिए गर्लफ्रेंड नहीं बनाई नहीं ये बात तो है जो मतलब मिडिल क्लास है या फिर नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं मेहनत करते हैं भाई वो गर्लफ्रेंड से दूर रहते कलेश है। देखिए अब गर्लफ्रेंड रखेंगे तो फिर तैयारी नहीं हो पाएगी भाई जो आज इनके और तन पे बल दिया। मैं अगर ये चीजों में इन्वॉल्व होता तो शायद मैं इस जगह नहीं पहुंचता। तो हम मतलब मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि आप नहीं बनाए तो ही अच्छा है सारा तो मतलब और बना नहीं सख्त लौंडा बन जाना तो अपने करियर में पहले फोकस करो उसके बाद गर्लफ्रेंड बनाओ। सही बात है ये बात बिल्कुल राइट हो गई। जहाँ तक मैं पहुंचा हूँ उसके लिए मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है स्ट्रगल बहुत करा आपने स्ट्रगल किया है। मेरे माँ बाप ने भी बहुत मेरा साथ दिया जितना उनसे हो सका है जी। और मैं सभी से यही बोलना चाहूँगा कि माँ बाप जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए भले के लिए करते हैं और जो भी उनको गाइडेंस देते हैं और वो अच्छा ही देते हैं तो मैं यही चाहूँगा कि आप माँ बाप को कभी ना भूलें और अपने करियर को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए उनसे प्रोत्साहन लेते रहें और गर्लफ्रेंड ना बने
एकदम मैं तो एकदम से इससे चौके में क्या आने वाला है नहीं नहीं मैं तो ये सोच रहा था अपने माँ बाप को दुख मत देना कभी भी जिंदगी में, सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो भाई जितना तुमसे हो सकता है उतना करो, पर ये चीज थी। पर गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई बीच में? कलेस होती है आज तन पे वर्दी है वो ना होती शायद सत्ताई की वजह से वही सख्त बनो टोर है सर का भी। मैं अपना जो मैं बचपन का कुछ आज हम चलो तुमसे बचपन का ही पूछते हैं। चलो चलो अब मजाक तो बहुत हुआ, सर से कुछ ऐसा सवाल पूछ लेते हैं कि जो इनको सीरियस कर दे और तुम्हें कुछ सिखा के जाए। सही बात है ना, इनको थोड़ा सीरियस इसलिए क्योंकि इनको पुरानी कहानी, देखो किसी ना किसी की कहानी एक ऐसी होती है बिल्कुल, बिल्कुल। कि एक टाइम पे उसने मेहनत बहुत करी होती है और रोया बहुत होता है क्योंकि तुम भाई एएसआई हो तो तुमने बहुत मेहनत भी करी होगी, ऐसे दिन भी देखे होंगे तब जाके इस पोस्ट में मिली। तो आप अपनी जर्नी बताओ कि आप इस यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने क्या क्या किया। सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि मेरे माँ बाप थे जो कि किसान हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, दोनों अच्छा, नहीं हैं, मेरी अच्छा, माँ भी नहीं है, मेरे बाप भी पढ़े लिखे नहीं हैं, पिताजी भी नहीं हैं। तो उन्होंने तो हमें पढ़ाई लिखाई में अपना पूरा योगदान जो अच्छा, देना चाहिए वो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मोटिवेट बहुत अच्छा किया। जितना उन्होंने चाहा, उन्होंने जो बोला कि आप बेटा जितना हमसे हो सकते ज्यादातर जो फाइनेंस में कि हम जितना मदद कर सके, ज्यादा तो नहीं कर सकते लेकिन जितना हो सके उतना कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जितना हमसे बन सकेगा पैसों में जो भी है वो आप करिए और बाकी आपकी मेहनत है ना, बाकी आपकी मेहनत है और आगे आपको ही जो कुछ करना करना है। तो क्या किया मैं अपनी बता रहा हूँ किसी और की नहीं बतानी है, अपनी बतानी है पूछनी तो तुम्हारी तुम अपनी बताने है किसी और की किस्सा बता रहा हूँ कि मैं जब हाई स्कूल में था जी तो फेल हो गए थे क्या? तो फेल हो गया अरे नहीं मुझे नहीं पता सच्ची में उन्होंने बोला था बाबू हाई स्कूल। अच्छा हाई स्कूल तो मैं क्यों नर्सरी तक पढ़ा हूँ ना मैं। अच्छा अच्छा तो मैं फेल हो गया था तो मेरे माँ बाप ने पहले तो मम्मी पापा ने बहुत डांटा या तो तुमने पढ़ाई नहीं किया। तो वाकई हो सकता है कि मैंने ना पढ़ाई किया हो क्योंकि गांव में एक लड़की मिल गई फेल होने का वजह ये होगा कि कुछ हो गया होगा कुछ ऐसी कुछ ना कुछ दुर्घटना घटी होगी तो उसमें कुछ हो गया है मतलब लड़की तो नहीं थी फिर क्या था, लेकिन ये सोच लो कि हम या तो हम खेल कूद में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए और पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाए, पढ़ाई में ध्यान नहीं, इसलिए हाई स्कूल। तो उसमें जब मेरे पिताजी माताजी ने मतलब डांटा तो हमें इतना बुरा लगा कि मेरे बाहर जो जानवरों का खाने का जो रहता है ना तबेला वबेला उसमें जो डालते हैं खाना तो उसको मैं वहाँ रात भर बैठा रहा क्योंकि मैं फेल हो गया था मतलब, और मैंने रात भर में उसको पूरा तोड़ दिया था और तबेले को पूरा तोड़ दिया था। फिर सुबह को तुम्हें तोड़ दिया, मेरे माताजी ने हमें तोड़ दिया क्योंकि भाई और जब भैंस का खाना तोड़ दिया अब इधर आता तू इधर आ तेरी हड्डी टाइट करूं मैं। लेकिन दर्शको मुझे लगा कि नहीं मेरे माँ बाप इतना मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ करना चाहिए और मैंने सोचा कि अब मैं इस साल तो फेल हो गया हूँ लेकिन अब सोचा कि थोड़ा पढ़ाई अच्छे से करूं ताकि मैं हाई स्कूल निकलने के बाद खुद तैयारी करूं। पता है आपको ना फेल भी तुम खुद से ही नहीं हुए हो, कुछ भगवान ने करवाया है कि तुम अपने जीवन का मूल्य समझो कि आगे क्या करना है, क्या करना। सही बात है, उसी दिन समझे ना जब फेल हुए। हाँ सही बात, उसी दिन मैं समझा एक दुनिया में करना भी है। जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती ना जब तक अकल नहीं आती है। ठोकर थोड़ी लगी थी, फेल हुए थे। अच्छा फेल हो गए थे क्या? तो फिर मेरी जर्नी क्या कि मैं हाई स्कूल में दोबारा पेपर दिए तो मैं सेकंड डिवीजन तो पास हुआ लेकिन ग्रेड से पास हुआ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेहनत जा रही है, मेहनत जा रही है, मैं पास हो गया। और मेरा जुनून जज्बा शुरू से ही रहा कि मैं डिफेंस में अपने देश के लिए कुछ करूं। अच्छा। और जितना मैं दे सकूं अपने देश के लिए, जितना मैं अपना समय दे सकूं, जितना मैं उनको अपने देश के लिए बस अपना दे सकूं, तो वैसे एक मोटिवेशन लाइन होगी बोलते ना
टेंथ फेल, एट फेल, ट्वेल्थ फेल बना यूएसआई, वो यूएसआई, देखो तुम्हारे सामने टेंथ फेल, हम टेंथ भी पास, ट्वेल्थ भी पास, बीए पास, बीए चल रही है, क्या कर रहे हैं ये जी, ये कर रहे हैं जी ये भी टो रहा है यार, ये भी टो रहा है जी, ये मोटिवेशनल लाइन है कि फेल होने से, हाई स्कूल फेल होने के बाद दर्शकों मैं दोबारा अपने मैं सेकंड डिवीजन विद ग्रेस से पास हुआ। उसके बाद मेरे माँ बाप जो कि पिताजी ज़्यादा पैसे देने में असमर्थ थे, तो उन्होंने बोला बेटा यहीं पे घर में ही पढ़ो और यहीं पे तैयारी करो, तो मैंने कहा कि यहाँ से तो नहीं हो पाएगा, बाहर जाते मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर जाके कुछ करूँ, तैयारी करूँ। तो फिर मैं माता जी से जितना कहा कि जितना आपसे हो सके उतना करो और मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं किसी को पढ़ा के या अच्छा, जैसे तरीके से खुद का खर्चा निकाल पाऊं, पार्ट टाइम करके टाइम निकाल के। तो फिर मैं हाई स्कूल पास होने के बाद मैं उरई आ गया। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जालौन का एक छोटा सा शहर है उरई, जहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर और इंटर वहीं से कम्प्लीट करा और बीए ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया। ओके, तो वहाँ जाने के बाद मैंने फर्स्ट ईयर और इंटर किया, जिसमें उसमें उस दौरान मुझे एक टीचर मिले थे, गेम टीचर खान साहब। ओके, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने बताया कि बेटा ऐसे करना जिंदगी में, ऐसे डिफेंस में ज़्यादा चॉइस रखते हो, अगर जाने के लिए देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप तैयारी, पैसे नहीं लूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जितने भी हों आप आइए और मैं उनको बेटा देखिए जितना आप पसीना बहाओगे उतना आप आगे जाओगे। सही बात है, बहुत बहुत अच्छी लाइन थी उनकी। तो मैंने सही बताऊं तो मैंने छोड़ दिया कि दिन कब है रात कब है, मैं यही सोचता था कि मैं देश के लिए करूं और मेरे माँ बाप तो गरीब थे जी जी, और मैं चाहता था कि अपना घर को संभाल सकूं, उनको थोड़ा अप कर सकूं, इंडिपेंडेंट बन सकूं, हाँ, ताकि मेरे भाई बहन जो भी है उनसे सपोर्ट कर सकूंगा, अगर मैं इस लायक बनूँ कि उनको सपोर्ट कर सकूँ। वहाँ पे इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद में जब मैं अप्लाई करने के लिए गए तो पहला अटेम्प्ट मैंने 17 साल में किया आर्मी में, और हम क्या कर रहे थे उसमें और हम क्या कर रहे थे, कंचे खेल रहे थे नहीं ऐसा नहीं, मैं तो मैंने करा अच्छा, तो, मेरी उम्र तो अभी कंचे खेलने वाली है। तो क्या हुआ उसमें, एक जब मैं रनिंग के लिए तैयार हुआ तो उसमें देखा तो 400 लड़के एक साथ पीछे तक उतरी, 400 लड़के 400 मीटर का ही गोला, और 400 मीटर का गोला और मैं दिखता ना फिर इनका टोरा इनका टोरा हाँ। तो पहला अटेम्प्ट कैसा रहा उसमें, क्या है ना कि जब मैं देखा तो मैंने सोचा ये तो बहुत सारे लड़के हैं, थोड़ा जिंदगी में कभी भूलने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं दौड़ा जी वैसे ही मेरे पीछे से सारे लड़के निकल गए, मुझे गिरा दिया, मैं जैसे ही दौड़ा दूसरे ने टंगड़ी बिधाई और गिर गए और मैं जमीन पे और मेरे पीछे से सारे लड़के निकल गए। अब सोच लो कि मैं गिरने के बाद मेरे ऊपर से 400 लड़के निकले, बहुत वो, तो 400 लड़के निकलने के बाद मैं तो उठने के उसमें नहीं था, एक बार जो बंदा गिर गया ना फिर उड़ नहीं पाते इतनी भीड़ में। तो मैं क्या किया कि जो वहाँ पे और भी थे स्टाफ थे, ग्राउंड स्टाफ थे, उन्होंने मेरे को उठा के और एक तरफ रखा, बोले क्या? बस हो गई रनिंग, तुम्हारा काम हो गया, तुम घर जाओ, अब तुम घर जाओ, रोटी खाओ, सो जाओ, तो अभी दोबारा तैयारी करो, अगले साल आना, इस बार नहीं हुआ, इस बार नहीं होगा तुम्हारा, अब रनिंग भी नहीं हो पाएगी दोबारा जी। फिर तो उदास हुआ, बहुत ही नर्वस हुआ, मैंने सोचा कि पहला अटेम्प्ट दर्शकों, और पहली अटेम्प्ट में मैं बुरी तरह घायल हुआ, एक्सपीरियंस सीखने को मिला कि आप बार बार प्रयास करोगे तो हार नहीं माननी है, कामयाबी जरूर मिलेगी, हार नहीं माननी गाइस। तुमने कितनी बार प्रयास किया? मैंने 7 अटेम्प्ट किए, 7 और तेरी यूनिक भाई, आज फेल हुए थे कि कैसे, और आज के टाइम तो तीसरी बार में बंदे हार मान लेते हैं।
चार तो यूपी पुलिस के थे, अटेम्प्ट थे, और तीन एसएससी के थे। एसएससी के तो उसमें मैं यूपी पुलिस में तो ऐसा था कि मैं मेरिट तक गया हूँ, और उसके बाद में मेरिट के बाद में रह गया। और एसएससी में एक ये जो जिस जगह पे मैं बैठा हूँ इसमें तो मैं इसमें कितने अटेम्प्ट दिए? इसमें मैं पहला अटेम्प्ट दिया था उसी में पास। क्या बात है, एक्सपीरियंस। मतलब करने के बाद आठवें में मैं इसमें सीआरपीएफ में मैंने दिया, तो उसमें ये सोच लो कि जी भूल गया था। अच्छा। टेस्ट दिया उसके बाद रिजल्ट देखना दिया और भूल गया। उसमें एक साल तक गैप हो गया कि अब ये रिजल्ट नहीं निकलेगा। हाँ। तो मैंने सोचा कि अब तो गया इस बार, मतलब ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है, अंदर से फीलिंग है कि मतलब अब मुश्किल है, लगता है कि मेरा मतलब तैयारी बेकार है। जब अच्छा तुमने एक ये भी तो सीन बताया था मुझे कि क्या बोलते हैं, जब मैं अटेम्प्ट देता था तुम्हारे साथ वाले लड़के लग गए थे। हाँ। वो वाली एक तो मतलब कहानी हाँ। लगी मुझे तुम्हारी। तो उसमें क्या है ना कि जब मैं यूपी पुलिस का अटेम्प्ट दे रहा था तो मेरे साथ के लड़के जो क्रिकेट मैच खेलते थे, तैयारी करते थे, तो हम लोग रनिंग करने लंगोटी यार जो कह सकते हैं, तो क्रिकेट खेलते थे हम लोग, तो रनिंग करते थे, उसके बाद दिन में हम लोग वही लड़के क्रिकेट खेलते थे, सेम लड़के थे। और जब हम लोग अटेम्प्ट कर रहे थे तो उसमें से कई लड़के ऐसे थे कि हो गए थे, लग गए थे, लग गए थे, उन्होंने अच्छा प्रयास किया, उनका हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ। तो मेरा नहीं हुआ तो मैं सोचता था कि अब मेरा लगता है कुछ होने वाला नहीं है और मैं बार बार प्रयास में फेल हो रहा हूँ। वो दिन ना बहुत ऐसे ही होता होगा, बहुत अलग लगता होगा जब ये सक्सेस हुए, मतलब कितना प्राउड फील होया होगा। नहीं, सक्सेस भी एकदम से थोड़ी सही अटेम्प्ट दिए भाई। तो उस समय तो ऐसा लगा कि मैं बेकार, लगता है कि अब तो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। शायद मैं किस्मत ही नहीं है मेरा, और शायद हो सकता है देश की सेवा में ना कर पाऊँ, लेकिन प्रयास फिर भी जारी था। और मैं फिर दोबारा एसएससी के भर्ती में भरा और एक साल बाद उसका रिजल्ट आया। तो मेरी चाची थी वहाँ पे। अच्छा अच्छा। और मैं गाँव में था, मैं तो भूल गया था कि मैं टेस्ट दिया है। तो मेरे जो चाची थी तो उन्होंने फोन किया कि पुष्पेंद्र तुम्हारा मेडिकल है। अच्छा। हाँ, चाची जी ने बताया। चाची जी ने बताया। ओके। चाची इस लाइन में कोई चाची चाचा में से तुम्हारा? नहीं, मेरा भाई है, भाई मेरे ताऊ जी का लड़का है। अच्छा, अच्छा। पुलिस में उत्तर प्रदेश में। तो वो मेरे से पहले हो गया था, उसमें भी मैं दुखी हुआ था। छोटे भी लग गए थे, मेरे छोटे भी लगे थे, और मेरा भाई भी लगा था जो मेरे से 2-3 साल बड़ा था, ताऊ जी का लड़का था, वो लग गया था। लेकिन मैं बुरी तरह नर्वस था उस समय, जब वो सारे लोग लग रहे हैं कि मेरी ऐसे हो रहा है। लास्ट की कहानी और सुनना, और टो रहा है, मजा तो आएगा। तो इसमें तो एसएससी में चाची ने उन्होंने फोन किया कि पुष्पेंद्र तुम्हारा मेडिकल है। तो मैंने कहा कि यार मेरा मेडिकल, तो मैंने चाची मैंने तो कोई टेस्ट दिया ही नहीं है। भूल गए तुम टेस्ट? अच्छा। अरे यार मैंने तो कोई दिया ही नहीं है, आज छोड़ दी, मतलब आज छोड़ दी बंदे ने यार, मैंने तो दिया नहीं है कोई टेस्ट। हां। तो बोले नहीं, इसमें तो लिखा है कि तुम्हारा मेडिकल है। अच्छा। तेरी हाँ, लखनऊ में मेडिकल है और जाना है, जरूरी है जाना। यार पता नहीं किसका लेके बैठे हो, मैंने तो दिया ही नहीं है। अच्छा। पोस्ट द्वारा आया होगा तुम्हारे घर पे? द्वारा आया। हाँ। और एक साल पुराना था। वो खुशी तो मैं जब तुम्हें पता चला होगा मेरा ये भाई, वो खुशी अलग। फिर भी नहीं, फिर भी मैं गांव में था, चाची बोली नहीं आया है, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे नहीं थी, 8वीं तक थी, लेकिन नाम पढ़ना जानती थी मेरा कि पुष्पेंद्र मेडिकल। तो वो ये बोल रही थी पुष्पेंद्र तुम्हारा लेटर है और उसमें लिखा है मेडिकल। हाँ, इतना बता रही थी मेडिकल लिखा है। तो मैंने कहा कैसा लिफाफा है? तो बोले वो ब्राउन कलर का है। तो मैंने ये तो सरकारी लिफाफा होता है। हाँ। तो मैंने कहा है तो सरकारी, लेकिन मैंने टेस्ट तो दिया ही नहीं है, ये आया कहाँ से? फर्जी तो नहीं है, एक साल पहले दिया था ना, एक साल बहुत होते हैं, फ्रॉड रोड हो, कोई ऐसा स्कैम हो। मैंने सर मैंने तो नहीं किया ऐसा। तो बोले तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम आ जाओ। चाची मतलब डांट, आपको डांट मार के बुलाया, बुजुर्ग है तो। हाँ, सही बात है, तुम्हें कुछ पता नहीं है। हाँ। आ जाओ, देख जाओ ये क्या है। तो मैं गया तो जब देखा मैंने कि हाँ मेरा मेडिकल का है और एक तो पुराना पढ़ते ही लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर। अच्छा, 2000
तो आप शोक नहीं होंगे वो चीज पढ़ के? और मैं सोचा कि लगता है ऊपर वाले ने सुन ली भाई, वो खुशी अलग ही हुई, वो मोमेंट अलग ही होता है भाई। मैं सोचा कि हे प्रभु, लग रहा है कि मेरे पिताजी माताजी का आज टूट गया था, अब दोबारा टूट गया था, लेकिन लग रहा है जुड़ने वाला है। नहीं, ये हुआ ना कि मेहनत किसी की कभी ना कभी रंग जरूर आती है, पर समय नहीं होगी। सफलता ना टाइम लेती है, वक्त लेती है। वो एक हीरा फेरी की वो मीम नहीं है, हे हे प्रभु तेरी लीला अपना पार है। सही बात है, सही बात है, सही है, तो वही है। तो टेस्ट दिया, मेडिकल हुआ, सब हुआ, उसके बाद में मैं पास भी हो गया, उसके बाद में ट्रेनिंग में भी चला गया। ट्रेनिंग भी अच्छे से हुई, भी अच्छे से हुआ, और फिजिकल मतलब अच्छे से निकाल दिया उन्होंने, फिजिकल सब हो गया। तो फिजिकल मेरा पहले हो गया था। अच्छा, पेपर से पहले फाइनल था, ये मेडिकल था इसमें। ओके, तो उसके बाद हमें सिलेक्शन मतलब मेरिट के आधार पर लिया जाता है, उसके आधार पर मेरा सिलेक्शन भी हुआ और मैं ट्रेनिंग में भी गया। ट्रेनिंग करने के बाद मैं आज के डेट में मैं यहाँ पे हूँ। और इस दौरान मुझे बताना चाहूँगा, इस दौरान मैंने कभी हार नहीं मानी और मैं यही चाहा कि जब तक जान है, जब तक एज है, जब तक लग रहा है कि नहीं मैं हो सकता हूँ, कि मैं इस कैटेगरी में आ सकता हूँ, दक्षता में हो सकता हूँ, तो मैं प्रयासरत रहा और मैं लगातार प्रयास करता रहा। मैं सभी को देखता रहा कि मेरे साथ के लोग सारे लग रहे हैं लग रहा है कि मेरा ऊपर वाला नहीं सुनने वाला। तो मैं उन दर्शकों को, उन युवाओं को, उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि कभी आस नहीं तोड़ना है, कभी भी प्रयास नहीं तोड़ना है, प्रयास रहना है। और माँ बाप, भाई बहन जो आपसे बड़े बुजुर्ग हों, उनका सम्मान और आदर करें, गाइड लेना है कि वो क्या कहते हैं, सम्मान करना है। और एक दिन ऐसा आएगा, अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप जरूर सफल होंगे। ये सब के लिए, सभी के लिए है। और मैं इसी आस के साथ में मैं प्रयास करता रहा और आज के डेट में मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और इसमें मेरे माता पिता का भी आशीर्वाद है और मेरे गुरुजनों का है और मेरे जो इसमें सहयोग किए हैं गुरुजन एथलेटिक्स के टीचर जो थे, लेकिन मेरे से ये देख के कि मैं बहुत गरीब हूँ, उन्होंने मेरे से पैसे नहीं लिए, टेस्ट में कभी पैसे नहीं लिए, तैयारी में कभी पैसे नहीं लिए। लास्ट में आके भगवान ने तुम्हारा साथ दिया, साथ दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, आपकी मतलब फिर आपकी पोस्टिंग फिर कहाँ पे हुई, कौन से सन में हुई, फिर आपकी डेट कुछ फिक्स याद है? ये चीज क्यों नहीं याद होगी? जब मैं ट्रेनिंग कर लिया, अभी इसमें क्या है ना कि ट्रेनिंग में तो मतलब इसमें भी कुछ मतलब बातें रह गई हैं। बातें क्या रह गई हैं? मतलब इसी दौरान में मतलब ट्रेनिंग में गया ना, जी तो मैं गया राजगीर में। अच्छा, वो पहला बैच था जी, आरटीसी पहला बैच था और वहाँ पे मतलब हम लोग से पहले कोई बैच नहीं था, पहले नया मतलब फर्स्ट बैच पहला नया बना था, आरटीसी था, वहाँ पे जंगल था। और हम लोग ट्रेन से जब हम अपना लखनऊ होते हुए निकले, लखनऊ से राजगीर गए, तो जब हम राजगीर उतरे तो हम सोचा कि यार ये यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या जंगल में आ गए, जंगल में आ गए, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है कहाँ, ऐसी भी कोई नौकरी होती है? उस समय पानी भी धमाधम बरस रहा, मतलब पानी मतलब उस टाइम सावन चल रहा, मौसम भी अच्छा हो रहा है मौसम, और उस समय ट्रैक्टर आया क्योंकि बड़ी गाड़ी निकल नहीं पा रही थी, तो रास्ता बनाने के लिए, रास्ता मतलब ज्यादा बड़ा नहीं था, जंगलों के बीच से निकल, मतलब साइकिल गाड़ी निकल जाए, मतलब इतना था ट्रैक्टर जो कि हल्का रहता है, छोटा वाला, तो उसमें हम लोगों को बैठाया। तो हमने सोचा कि ये जा कहाँ रहे हैं, हम ट्रेनिंग में जा रहे हैं या कहीं खेत में जा रहे हैं? चल हम खेत में घूम लेते घर पे। तो रात में 10 बजे रात के, तो उस समय तो हिलते डुलते हम लोग ट्रेनिंग पहुंचे। तो वहाँ देखा कि यहाँ तो कुछ है नहीं है, हट है और थोड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ पे पूरा ग्राउंड, दूर दूर तो कोई दिख नहीं रहा होगा, कुछ नहीं है, लाइट भी बना था, कुछ भी नहीं है, नया है, थोड़ा रहने के लिए हट था, नया ट्रेनिंग सेंटर था और चारों तरफ पहाड़।
पहाड़ पहाड़ तो ये बात यहाँ भी एक अलग है मूवी वाला सीन आ गया तो अब रनिंग तो क्या है ना कि रनिंग तो सब ये तो फौज का यही रूटीन है कि सुबह जगो मतलब सेम वही 4 बजे जगो ओहो और 4 बजे जगना पड़ता था आपको 4 बजे अरे मतलब क्या क्या करना पड़ता मतलब एक नौकरी के लिए तो कोई नहीं चलो अभी क्या करते हैं 4 बजे जगना तो होता है लेकिन ये जो रूटीन है 4 बजे जगने का तो ये अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और अपना फिजिकल तो मेंटेन रहता ही है और उस समय जब हम शुरू शुरू में 4 बजे जगते थे हम सोचे है क्या साला नौकरी है 4 बजे जगा देते हैं और भर जाए जगा के रखते हैं और शाम को 12 बजे कहते डंडा लेके खड़ा हो जाए पोजीशन में मतलब सावधान हाँ तो सोचते कि ये नौकरी करने आए हम हम नौकरी मिली फिर ये नौकरी करेंगे हम हो रहा है तो हम सोचे यार सुबह 4 बजे जगो और डंडा लेके 12 बजे रात में खड़े हो अच्छा अच्छा नींद जबकि ले रहे सोने दे नहीं रहे ट्रेनिंग का टाइम 2 घंटे सोने का तो हम सोचे यार ये क्या लफड़ा है आपको ऐसा लगा घर चले हैं यार मन नहीं लग रहा जब नींद पूरी नहीं होती तो सारी नींद पूरी नहीं सही बात सोचा कि यार ये क्या हो रहा है और कुछ देखने को नहीं मिल रहा वहाँ पे अब एक समय ऐसा भी सोचते हैं कि ये छोड़ो ना यार ये तो बेकार है बेकार खेती बाड़ी कर लेंगे इससे अच्छा तो हमारा खेत ही ठीक है अच्छा लेकिन मन में सोचा ना इतनी यहाँ तक आ गए कुछ करना है तो ये तो जरूरी है सही बात है हार्डवर्क भी तो जरूरी है वो तुम्हारा स्टेमिना भी तो देखेंगे हाँ तो हार्डवर्क बिना हार्डवर्क के तो कुछ होने कुछ हो ही नहीं सकता भाई जिंदगी में आपको ऐसा बना देंगे ट्रेनिंग करा के लोहा लोहा की कोई हथौड़ा ही मारे तब भी कुछ ना हो सही बात है उस टाइम पे हर एक परिस्थिति में ढलने के लिए आपको ऐसा फिट कर देंगे कि आप चाहे गर्मी हो बरसात हो मतलब हर मौसम में किसी मौसम में आप जवानों को खड़े दिखाई देंगे तभी तो देखो अब यहाँ पे गर्मी हो रही है हमें पसीना आ रहा तुम डट के खड़े हो हमें पसीना आ रहा है देख देख के देखो ये कैसे भय भय बहुत गर्मी है पंखा चला नहीं सकते क्योंकि नॉइज आएगी ऐसा कर ले अरे रुक जा 5 मिनट अरे सुनो तो मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा कर लेते हैं हम ले लेते हैं अभी 2 मिनट का ब्रेक रिलैक्स हो जाते हैं कॉफी पी लेते हैं और फिर इन्हीं के साथ दोबारा आते हैं सर जी के साथ दोबारा बातचीत करेंगे छोटा सा ब्रेक तक लेते हैं 2 मिनट का ब्रेक क्योंकि गर्मी बहुत है तो चलो गाइज हम कॉफी वॉफी पी के फिर से आ चुके हैं थोड़ा यूनिक बन के वही ड्रेस वही सब कुछ कुछ नया कंटेंट बना के एक कंटेंट आ गया मेरे दिमाग में शादी होगी ना तुम्हारी शादी तो हो गई है 13 साल हो गए शादी को तुम बताओ हाँ लगभग 13 साल अच्छा तो कभी ऐसा हुआ कि लड़ाई वड़ाई होती है तुम्हें आपस में हाँ बोलना तो पड़ेगा कुछ भाई घर में रहना है रहना तो झुकना तो झुकना तो पड़ेगा ही झुकना पड़ेगा ऐसा भी नहीं कि भाई मैं पुलिस वाला हूँ ऐसे क्या सॉरी बोल दूंगा ये वाला घमंड नहीं आता घर में अगर रोटी वोटी खानी पड़ेगी खानी पड़ेगी तो ये सब तो बाहर चलता है टोरा पुलिस वाले कि भाई नहीं जो चीज़ है सो है थोड़ा है पुलिस वाले को और दूसरी चीज अटेम्प्ट दिए तुमने 7 अटेम्प्ट दिए और जो 7 के लड़के लग गए थे और जो तुम्हारे 7 के लड़के लग गए थे और कम एज वाले भी लग गए थे हाँ तो उसमें क्या हुआ ना उनका क्या हाल है और तुम्हारा क्या हाल है एक बार बताओ उस समय जब पहला अटेम्प्ट दिया ना मैंने मतलब यूपी पुलिस की थी और पहला था जब मैं आर्मी भर्ती के बाद में जब मैं यूपी पुलिस का दिया तो उसमें हम लोग सब क्रिकेट मैच खेलते थे साथ में अच्छा सारे लड़के जितने थे ना हम लोग लंगोटिया थे जितने रनिंग करने वाले जो प्रैक्टिस करने वाले थे सब क्रिकेट खेलते वहां जाके भी क्रिकेट क्रिकेट खेलते थे मतलब यार एक तो खेल ही होता ना एक्सरसाइज हो जाती तो नहीं वहाँ कहाँ ये तो तैयारी के टाइम पे अपना फ्री टाइम जब पढ़ने का अपना क्रिकेट खेलते जितने थे ये समझ लो कि वो लोग सारे डिफेंस में या पुलिस में इसी सेक्टर में लोग सारे अब वो दोस्त कहाँ हैं सारे वो सारे अभी कोई यूपी पुलिस में कोई बीएसएफ में कोई आर्मी सबसे आगे कौन है जो आगे हो सबसे आगे तो कोई नहीं है अभी वो सारे सिपाही हवलदार कोई नहीं है तो उसमें जो सबसे पहले हमारे 2 लड़के हुए 7 के ग्रुप के तो मैं सोचा कि यार तुम तो साले हरामी हो गए
और मैं यार क्योंकि वो लोग थोड़ा तैयारी अच्छा किया हुआ है, मैंने ज्यादा मैंने कम किया वो लग गए थे, उन्होंने लग गए और मैं सोचा कि लगता है मैं तुम नहीं लग पाओगे भाई, तुम्हारी जिंदगी खराब। तो मैं उनसे बोला कि तुम लोग तो सारे लगे ध्यान रखना मेरा भी पुलिस में हो गया है ना, पुलिस में कभी मैं फंस जाऊं चालान मतलब कल तो मैं कॉल करूंगा यार भाईचारा है याद रखियो। हां तो मैंने कहा आप देखते रहना, तो बोले ना भाई कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे भाई है जान देने के तेरे लिए। तो नौकरी लगने बाद कहाँ फिर वो भेजो भाई, मैं फोन भाई मेरा यार देख लेना यार थोड़ा यार गाड़ी भाई यार मैं यार ड्यूटी में यार थोड़े यार देख लेना, फिर वो समय नहीं दिखाई देता भाई कौन कौन पुष्पेंद्र कौन पुष्पेंद्र यार मैंने यार ये यू नहीं कौन मैं नहीं जाना तो रॉन्ग नंबर दोस्तों कौन पुष्पेंद्र बता दी वो लाइन बहुत अच्छी, आज वो कहाँ है और तुम कहाँ हो, आज वो कॉल कर दे। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि जब दो लड़के हो गए फिर बच्चे थोड़ा और कम, दो हो गए तो हम लोग कितना लगभग 8 to 10 थे, 10 से 8 बचे तो 8 अब वो उसकी तरफ देते साला हरामी ये दोनों निकल गए अब हम कैसे मैं भी अगली बार देखूंगा। तो भाई उन्होंने तैयारी तो सारे लोग जम के करते थे और जब सेकंड भर्ती क्योंकि 5-5 महीने में लगातार भर्तियां 4-5 निकली है उसमें फिर लगे तो फिर हम भी हर एक मतलब जब भी निकलती थी कोई ना कोई निकल जाता था। हाँ, हर एक में 3-4 लड़के 5 लड़के निकले। अरे यार ये तो टोरा भाई इनका, इनका ग्रुप ऐसा था लेकिन वही एक था कि जो नहीं लग पा रहा था, मतलब 10 में से 9 लग गए एक रह गए, इनको कुछ और करना था इनका, मतलब भगवान को कुछ और उम्मीद थी, इनका ध्यान भी थोड़ा सा इधर उधर होगा इनका ना थोड़ा माइंड ना कहीं और ही होगा। तो फिर जब वो लोग लग गए तो उसमें मेरा भाई भी था, अच्छा बड़ा भाई, बड़े भाई थे। और जब वो मेरे से 4 साल बड़ा था और हम दोनों ने दिया मैं भाई यार मेरे को भी लपेट लेना तुम्हारी लग चुकी तो मुझे भी साथ में ले लेना देख लेना जुगाड़ हाँ तो ध्यान रखना देख लेना यार मैं भी साथ में लपेट जाऊंगा तो बढ़िया रहेगा साथ साथ में लग जाएंगे। तो उनसे बोला तो बोले ठीक है मेरा एज निकल रहा है तो मुझे पहले करने दे थोड़ा मेरे को ठीक है भाई पहले, तो हम भी तैयारी तो थे साथ में रनिंग करते साथ में रनिंग भी किया सब किया। उसके बाद में मुझे लग रहा कि सारा कहीं ना कहीं जा रही है गाड़ी गड्ढे में, तो भाई से बोला भाई देख लो ना। तो मैं सभी दोस्तों से कहना चाह रहा हूँ कि कभी भर्ती वर्ती में या किसी में आप ये सोचोगे कि कोई हमारी मदद करेगा कोई हेल्प करेगा तो कोई नहीं करता है, और आप सेल्फ मदद सेल्फ से ही आप सब कुछ कर सकते हो। आप ये सोचो कि हमारे अंदर जज्बा है जुनून है तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ये तो सही है सच्ची कहानी है। ना कोई रिश्तेदार साथ देता है ना कोई भाई ना कोई अपना कोई साथ। अगर आप सक्सेस हो गए तो आपको सब लोग याद रखेंगे पूछेंगे और तो कोई साथ नहीं देता हमारे हिसाब से। जो मेरे साथ घटा है तो मैं यही चाहता हूँ कि कोई साथ नहीं देता, स्ट्रगल अगर आप अच्छे से कर लो तो क्या होता है ना जैसे हमारी मुसीबत ऐसी होती है ना कभी ऐसा रोना आता है ना हमें कभी गिल्टी फील होता है यार क्यों मेरे साथ ही क्यों ऐसा भगवान से हम वो करते प्रार्थना है भगवान मेरे साथ ही क्यों है इतने दुख मेरे जिंदगी में क्यों लिखे हैं तो ऐसा याद आता है। तो वो ऐसे होते हैं कभी यार मेरे अपने साथ नहीं दे जो अभी तो एक साथ देंगे तो सिर्फ वो है हमारे माँ बाप और अपने आप को अगर अपने आप को सोच रहा हूँ कि हाँ हम पीछे नहीं हटेंगे और हम करके मानेंगे तो लेकिन सक्सेस होते हैं बिल्कुल। और वो आज हुआ भी है और हमारे सामने एग्जांपल भी जीता है। जागता सबूत सबूत है तो, ये बैठे हमारा क्या सबूत होगा। तो आपने वही बात है कि आप मेहनत करते रहिए और यूथ को क्या बोलोगे मेहनत मतलब जो बहुत ऐसी मैं, जो आज के समय में जो मेहनत कर रहे हैं उनको लगता है अटेम्प्ट देते देते फेल हो रहे हैं और एक जगह ही नहीं देखो क्यों अटेम्प्ट हम हर जगह देते हैं लाइफ में हर जगह अटेम्प्ट ही है चाहे सरकारी नौकरी हो या फिर खुद का ही कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे मेहनत करते का ऐसे ही लगता है यार नहीं हो रहा मैं उसको और कुछ कर लूँ और कुछ कर लूँ उनके लिए कुछ बोल दो। तो मैं सभी यूथ या युवाओं को मैं यही बताऊँगा कि आप जिस फील्ड में जाना चाहो चाहे वो डिफेंस हो या टीचर हो या कोई भी हो
तो आप ये सोच लो कि आप मुझे एक एम बनाना है कि मैं सिर्फ डिफेंस में जाना, मैं एम है कि मैं इसमें जाकर रहूंगा, या टीचर हो या अदर हो या कुछ भी हो, किसी चीज में आप एम बनाओ और उसके पीछे ऐसे लग जाओ कि बस यही ट्रैक है, यही है मेरा ट्रैक जी, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। अगर आपने भटका कि नहीं आज इसमें जाता हूँ, एक साल बाद दूसरे में लाइन पे चला जाता हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं ना बरसाती में अटक, बिल्कुल सही बात सही है, तो भटक जाते हैं, तो भटक जाते हैं कि तीन महीना ओ भाई पुलिस की भर्ती आ गई है और दौड़ लेते हैं। तो क्या करते हैं कि वो निकले तो निकले, दो महीने दौड़ते हैं उसमें तो फिजिकल ठीक नहीं बन पाता है ना, तो उसमें क्या कि अपना दौड़े और दो महीने दो घंटे दो किलोमीटर बाद पेट दर्द कुछ दर्द हो तो फिटनेस नहीं हो पाता है, कुछ नहीं मतलब कर नहीं पाते। तो उसके बाद में जब भर्ती में नहीं हो पाता कुछ तो फिर कभी टीचर की निकलती है या बी एड का भी सोचते हैं कि बी एड कर ले, तो बीएड कर मतलब कहने का मेरा यही मतलब है कि आप जिसमें भी एम बनाओ उसमें कंटिन्यूस मतलब गोल अपना फिक्स कर लो, गोल हर जगह अगर इधर करो उधर करो भटक जाओगे रियल है, तो रियल है। तो मैं यूथ को यही बोलूंगा कि आप जिसमें भी जाओ उसमें एक गोल बनाओ कि नहीं मैं इसमें ही जाऊंगा और इसके सिवा मैं किसी चीज में, लेकिन लगातार उसमें आप तैयारी करते रहिए तो एक दिन का। अच्छा एक चीज और बता दो, जब ऐसी सीरियस बात चली रही है जी, तो सीरियस टॉपिक पे मैं एक बात पूछ देता हूँ वैसे तो हंसाने वालों में बहुत हंसाता हूँ पर आज एक सीरियस बात पूछता हूँ, क्योंकि देखो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करे इस एज पे आके कुछ करना है, कुछ करना हो नहीं पा रहा है, होता नहीं है क्योंकि भगवान भाई तपा रहा है हमको। आजकल की जो हमारी फैमिली है, हमारे जो घर के हमारे इधर के जो हर एक फैमिली एक यही चाहती है कि जो बच्चा ना हमारा पढ़ाई करे सिर्फ नौकरी की, सही बात है। और जो आजकल की जनरेशन है वो ये चाहती है, जैसे हमें अब मैं ही अपना बता दूँ, मेरे जितने भी सारे दोस्त हैं ऑलमोस्ट कोई होगा जो चाहता है कि पढ़ाई करके मैं नौकरी करूँ ये करूँ, वरना सब ये चाहते हैं कि मैं अपने दम पे कुछ बड़ा बिल्ड करूँ, सही बात, कि मैं अपना बिजनेस कर लूँ या फिर वो कर लूँ। घर वाले बस यही कि भाई पढ़ाई कर रहा है तू गधे की तरह बस नौकरी चला जा, मेरा बच्चा नौकरी कर ले कि वो सिक्योर है, ये सिक्योरिटी देखते हैं, शादी अच्छी आ जाएगी, बीवी गोरी आ जाएगी नहीं ये मतलब हमारे गांव के जो हमारे मतलब हमारे माता हैं, जो मेरी भी फैमिली में ऐसा है कि मेरी फैमिली पढ़ाई को लेके बहुत जोर दिया जाता है और सरकारी नौकरी बस एक होना, एक सरकारी नौकरी मिली सबसे बड़ी, उसमें उनको ये लगता है सबसे बड़ी नौकरी यही है सरकारी। अब मैं अपने घर में ऐसा हूँ खुला पूँ एकदम मतलब ऐसा, पर ऐसा भी नहीं अलग चल रहा हूँ, मैं बता रखा है कुछ ना कुछ करूँगा बड़ा करूँगा, पर मेरे से सरकारी मतलब नौकरी मेरे से होगी नहीं, एक मुझे सीमित मुझे रहना नहीं, अपनी अपनी सोच है बाकी है। तो मैं तो आप यही बोलो कि पढ़ाई का मतलब आप अपने तरीके में बोलना जो भी तुम्हें अच्छा लगे कि मेरे या फिर मैं गलत हूँ या फिर कोई चीज़, अभी देखो मुझे तो पता नहीं मैं ही सही रहूँगा, पढ़ाई का मतलब ये जरूरी है कि नौकरी ही हो? नहीं मैं ये कहूँगा कि मतलब पढ़ाई करो, पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं तो इसलिए करो कि आप चाहे सरकारी में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या किसी में भी, आजकल प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा स्कोप है। और मतलब आप नहीं अगर सरकारी में जाना चाहते कि नहीं हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं सरकारी में, ऐसा है तुम्हें लग रहा है कि नहीं लिमिटेड है कि नहीं हम यहाँ से आगे को नहीं बढ़ सकते या अच्छा अचीवमेंट नहीं कर सकते, तो आप जाइए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अपना जहाँ से आए हो जिस स्तर से आप उठे हो उसको हमेशा याद रखना है, हाँ, अपने दिनों को अपना दिनों को याद रखना है कि हम कहाँ थे और वर्तमान में कहाँ हैं, और जो भी आपके सामने आता है कि हम अगर ऐसा अचीवमेंट करते हैं या आप इतना सक्सेस हो जाते हैं कि हमारे कोई सामने मदद करने वाला या कुछ ऐसा कि नहीं हम भगवान ने मुझे इतना मतलब ऊपर वाले ने इतना सक्सेस कर दिया है तो मैं जो हमारे सामने हमसे जितना मदद हो सके जो गरीब है जो ऐसे घमंड में मत रहो और उनको जितनी हो सके मदद करो जी, बिल्कुल घमंड तो भाई किसी को जरूरी नहीं है। कि ये तो मेरा अपना पर्सनल है कि मैं डिफेंस में जाना चाहता था देश की सेवा के लिए और घमंड के ऊपर एक और मेरा यही लक्ष्य था कि मैं देश के लिए कुछ करूं और सही बात है गांव में ये नाम हो कि हाँ कोई लड़का देश के लिए सेवा कर रहा है, अपने माँ बाप का गर्व करेगा गाँव का जिस चीज, ये एक टॉपिक आ गया मेरे पास ना सीरियस बात चले मेरे दिमाग में कुछ कुछ बन जाता है
और एक चीज और बोलूंगा आपने घमंड की बात करी, अगर किसी भी है ना इंसान को अगर किसी चीज का भी घमंड आ जाए ना भाई, शमशान घाट चले जाना, घमंड है ना वहाँ टूट जाएगा किसी भी इंसान कल ही ना भेजते वही भेजना, मेरा कोई कमेंट नहीं है, पर मैं अपने मन की शांति के लिए जाऊंगा क्योंकि वहाँ जितने भी है ना करोड़पति हैं, गरीब है, भिखारी है, सब वही मिलेंगे मेरे भाई, सब वही मिलेंगे सर। हाँ, सही बात है, ये बात सही है कि घमंड कभी जिंदगी में करना नहीं है। आप ये सोच लो कि जहाँ से हम उठकर ऊपर आए हैं हम वही जगह, हम नीचे भी देखते हैं कि नहीं हम वहीं पे हैं, लेकिन ऊपर वाले ने हमें आगे बढ़ने के लिए और देश की रक्षा या मदद करने के लिए इतना ऊंचा किया है कि हम दूसरों को मदद कर सकें, और जो हमसे कमजोर है नीचे तबके के लोग हैं कि हम उनसे थोड़ा जितना भी हेल्प हो सकता है कि जितना लेवल हमारा कि नहीं हम इतना ही हेल्प कर सकते हैं, उतना करते रहना चाहिए। उम्र कम है मेरी भी, 2 साल मैंने बहुत कड़ी मेहनत भी करी है, अभी भी आगे कर रहा हूँ। एक एक्सपीरियंस सीखा है ना, अपने कर्म और अपनी जो अंदर की साफनेस होती है मतलब मन, उसको हमेशा साफ रखो। बुरा वक्त भी है ना, वो अगर मन साफ है अपने कर्म सही है, वो ऐसी हंसते हंसते टल जाएगा, हंसते निकल गया। लेकिन कोई पता नहीं कब कहां से निकल गया। एक ओपिनियन ये भी देना, जो मेन टॉपिक हो भी, आप एजेड अपनी अपने पूरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस भी ले लिया, ठीक है, फैमिली को लेके बोलूंगा मैं ये बात जो आज लड़के होते हैं जैसे माँ बाप, जैसे अब तुम पापा भी बन गए होंगे, तुम्हारे तो बच्चे है आपका जैसे एक होता है पापा, पापा बनते ही जो जैसे हमारा लड़का हुआ, हमने पहले से ख्वाहिश रख दी मेरा लड़का तो डॉक्टर बनेगा। आजकल के बहुत माँ बाप हैं कि पहले से डिमांड कर देते बच्चे का सपने, पूछा नहीं बच्चे का सपना क्या है, बस बोल दिया डॉक्टर बने का। देखो गलत तो नहीं है, पर एक चीज है, उसका जो छोटा बच्चा उसका भविष्य खतरे में, अगर उसका मन नहीं होगा ना वो आपकी रिस्पेक्ट रखने के लिए कर तो देगा, सही बात, बट वो अपने दिल से कुछ नहीं होगा, वो सही कर, बात कर, कर, मतलब तो दिल से कुछ नहीं होगा उसमें, उसके लिए उसमें यही है कि आप उसको फोर्स नहीं कर सकते जी। आप ये सोच लो कि अब नई जनरेशन है और पहले तो इतना नहीं, लेकिन आज के जनरेशन में हर एक अलग अलग अपना तरीके से करना चाहता है। आप अगर बोलोगे कि नहीं तुम जाके डॉक्टर बनो, और बेटा कहेगा नहीं मुझे तो एक्टर बनना है, तो एक्टर बनूंगा तो बाबा पिताजी कहेंगे एक्टर का नाम ले, एक बात याद आ रही है सबको, मतलब ये सुनो सही, एक्टर बनते एक बात याद, अरे तू तो लड़की वादी करेगा अरे तू लड़की को हाथ लगा रहा है उसमें ये वही मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप पिताजी बोले कि नहीं आप डॉक्टर बनो, आप एक्टर जो बन आपका सकते हो, तो फिर माँ बाप के खिलाफ जाना पड़ेगा, फिर कैसे उनको समझाएंगे। देखिए अगर आप मन में सोच लिया कि नहीं हमें वो करना है और आप सक्सेस हो जाओगे ना, आप इतना जुनून है तुम्हारे अंदर कि नहीं हमें एक्टर ही बनना है, तो मैं आप एक्टर बन के आप दिखाओगे ना तो माँ बाप तो घर नहीं। गांव में ऐसा होता है कि मैं तो गांव से हूँ, आप भी गांव से हो जैसे पापा होते हैं सबके सामने हम सब कुछ बोल देंगे, चाहे पुलिस वालों कोई भी हो ऐसे छीन क्या कर लेगा जैसे पापा के सामने, पापा मुझे ये बनना है, नजर नहीं मिला सकते डंडा कहा है क्या होता है वो बहुत में बोल रहा डॉक्टर बनने को, मन में एक्टर चल रहा है क्या बनने का, सामने बोल रहा है डॉक्टर आया खूब हौसले से पापा आज मैं बोल दूंगा, आज मैं एक्टर बन के दिखाऊ पापा बनो। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो भी है बच्चे हैं या जो भी माँ बाप को समझना चाहिए, थोड़ा माँ बाप को समझना चाहिए कि हमारा बेटा क्या चाह रहा है, मत आप रोइए मत, इतना इमोशनल हो गए हैं आप मुझे देखा नहीं जा रहा बिल्कुल भी यार एकदम यूनिक कर इसको चंदन तो मैं यही चाहूंगा कि जो आपका बेटा बेटी जो भी करना चाहे कि नहीं हम डॉक्टर बनना चाहे, टीचर बनना चाहे, डिफेंस में जाना चाहे, जिसमें भी जाना चाहे, एवरीथिंग एवरी चीज है, मतलब किसी में भी जा सकते हैं, उस पे छोड़ दो कि बेटा आप किस में जाना चाह रहे हो, जो उसका मनोविच्छा होगी उसमें करो, आप उस पे फोर्स करोगे तो वो किसी में नहीं जा पाएगा, आप ना उसमें हो पाएगा ना वो चाहे, इसीलिए उसके मन की करनी चाहिए, मन समझो उसे, समझो उसको। अब सीरियस टॉपिक बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बार-बार सीरियस टॉपिक चल रहे हैं और मेरे में बार-बार अलग-अलग चीजें नई-नई घुसती जा रही है। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, जो मतलब आपने एक चीज बताई थी बहुत फनी थी, बीवी का भी नहीं है कभी किसी से प्यार वाली तुमने बात पूरी ऊपर नहीं करी, कभी से हुआ किसी से प्यार, प्यार कोई, तो नहीं हुआ, कोई मोड़ आया, कोई तोड़ आया, क्रस क्रस क्या पिताजी के आगे कोई क्रस नहीं है, क्रस ऐसा होता है कि जैसे देख के लगे ओ ये मेरी जीवन की रानी जीवन की रानी तो हमारे पिताजी थे,
अच्छा आप पिताजी से याद आया, आपने वो चीज एक मिस और कर दिया हमने, फनी वाली चीज जो आपका जब जिस टाइम आपने शादी नहीं हुई थी, जब रिश्ता लेने गए थे पिताजी, बात चलाई थी आपकी, तो वो मोमेंट बताओ मुझे, वो बड़ा फनी लगा जब वो चीज सुनी थी मैंने। उसमें हमारे पिताजी का बहुत बड़ा रोल है शादी में। अच्छा, जैसे कि तलवार चल जाएगी। पिताजी मैं बंगाल में था ड्यूटी पे, तो मेरे पिताजी ने लड़की देखी एक जगह। अच्छा। तो उनको पक्का कर दिया। तो लड़की ठीक ठाक थी, आप देख के आए? मैंने तो नहीं देखा था, तो पिताजी, मैं बंगाल में था और अच्छा। उन्होंने फोटो दिखाई थी कि ये लड़की, मैंने ठीक है आप लोग देख लो जैसा भी हो, क्योंकि उस समय मैंने पिताजी को ऊपर छोड़ा था कि जैसा करना हो करो देख लो। तो एक जगह वो देख के आए थे ऑलरेडी, पक्का कर दिया दूसरी जगह। अच्छा। हाँ, तो पक्का होने के बाद में हमारे जो दूसरा गाँव के बगल में बिल्कुल घर के बीच में दीवार में मेरे जो मतलब एक पार्टीशन था, और उसमें मेरे रिश्तेदार मतलब माई माई लगते हैं। अच्छा, मतलब और मेरे पिताजी उनसे मतलब कनेक्ट थे, तो उन्होंने किसी लड़की को जो मेरी अभी वर्तमान में वाइफ है उनका उनसे प्रपोजल आया, उन्होंने अच्छा, बताया अच्छा। कि नहीं आप इन्हें देख के जाओ। पिताजी से बोला अरे आपको लड़के के लिए ये लड़की ठीक है, आप उससे देख के आओ। पिताजी जब लड़की देखा है तो आपसे कोई मतलब राय नहीं लिया आपसे? भाई पहले राय नहीं, मैं राय नहीं, पहले उन्होंने बोला कि लड़की देखने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा आप एक जगह कर आए हो तो उनका क्या करोगे। बोले कुछ नहीं, वो तो कर ही लेंगे, लेकिन वहाँ देख के आते हैं कैसे है, ठीक है कैसे। तो पिताजी गए, पिताजी जाने के बाद में उनको बार भगवान कैसा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, नेचर हो सकता है मतलब अच्छा लगा। तो वो घर में आने के बाद में वो सारा दिमाग बदल गया उनका, तो उनसे उन्होंने बोला नहीं भाई नहीं, पहली वाली नहीं होगी, होगी तो यही होगी। हाँ, बोले अभी जो देख के आया हूँ मैं ये करूंगा, मैं जो अभी वर्तमान में वाइफ है, तो बोले नहीं कर रहा मैं। पॉडकास्ट देख रही हूँ, और तो अगर तुम कुछ भी तुमने गलत बोल दिया, ये ध्यान रखना कैमरा चल, कुछ भी गलत बोल दिया, वो बारी किसी देखी नहीं, वो करना हमारा ध्यान रखना, थोड़ा फिर रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो मतलब ये सोच लो कि मैंने उनसे बहुत समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, आप जहाँ पे तुमने तय किया वहीं पे करो। तो बोले नहीं, मेरे को चाहे दूर ही बसें चलानी पड़े, दूर ही बारात ले जानी पड़े। अच्छा, दो बारात। हाँ, पिताजी को मुंह इतना मतलब पिताजी को, पिताजी भाई अपने आगे किसी टोरा था पिताजी का। गांव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका टोरा ही होता, जिन उन्होंने अगर एक बार जवान दे दी ना तो जवान पत्थर की लकीर है। तो उन्होंने बोला नहीं भाई, होगी शादी तो वही होगी, और चाहे तुम जबरदस्ती करते हो तो मैं दो बराते ले जाऊंगा चाहे। है ना। अच्छा। तो बोले यार पर एक एक गलत कर दिया हमने, हमें नहीं बुलाया। बुलाना चाहिए, लड्डू तो लेके आना चाहिए। अब तेरह साल में फिर वापस जाते फिर पौए को बुला जाते। सही बात है। तो फिर देन उसके बाद, तो फिर उसके बाद में पिताजी बोले नहीं उसी में करेंगे। अच्छा। वो जहाँ पे अभी देख के आया हूँ, तो मैं बहुत समझाया लेकिन वो माने नहीं, लेकिन उनका भी आगे कहाँ चलने देती, नहीं चलने देते, लेकिन उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा, बहुत डिसीजन अच्छा था, और मेरे जो वाइफ है वो सपोर्टेड है। अब तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? मैरिड लाइफ अच्छी है, थोड़ा बहुत तू तू मैं होती है, कुछ दिन पहले ही हुई। जो भी बोलना सोच समझ के बोलना भाई, अभी बोलने सोच समझ के बोलना। हाँ, तो अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ दिन पहले ही। हाँ, अच्छा बताओ बताओ बताओ। हाँ, वो आता है। हाँ, वो तो कौन है था उस पार्क में, कब की बात है मुझे नहीं पता। हाँ, तो पार्क में जा रहे थे, तो अच्छा। अपने दोस्त यार थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा, हम ही तो थे, शूट करने लगे। तो भाभी देखते रहना। उस टाइम पे हम थे, हम लड़की बुला रखे थे सूट पे, सर जी आए थे हमसे मिलने, आज भाभी जी भी आई थी, भाभी जी आए थे, और आपका शायद वो भी था, लड़ाई करवाने में रोल था मेरा ही। तो उसमें क्या हुआ कि ये लोग शूट कर रहे थे भाई लोग, और उसमें मैं वाइफ के साथ अपने बच्चे के साथ मैं दिखाने आया था, क्योंकि मेरे बेटे को शूट पसंद है कि कैसे शूट करते हैं, कैमरा कैसे चलाते हैं। तो बोलते हैं कि ये भैया पापा मैं भी चलूँगा और कैसे शूट करते हैं, तो मैं दिखाने ले गया था। तो उसी दौरान दोस्त लोग यार लोग बोले कि आप भी शूट कर लो जी। तो मैंने बोला ना भाई, लड़ाई करवाओगे क्या यार, घर में रहने दोगे नहीं रहने दोगे।
लड़ाई करवाओगे क्या? पहले तो ये हुआ था जब मैंने बोला था ना, मैंने बोला उस जो लड़की हमने बुलाई थी कि सर जी सूट कर लो ना, इन्होंने एकदम से टोरी में आके बोल दिया हाँ कर लूंगा। इन्होंने समझा कि सूट मतलब एक कोई वीडियो अपनी वाइफ के साथ कर लेंगे, भाभी जी के साथ ऐसे। तो इनको क्या लगा? मैं इनको वाइफ के साथ बोला होगा, मैंने उस लड़की के साथ बोला, इनको लगा कि वाइफ के साथ बोला। तो मैंने क्या सोचा, मिस्टेक तो हुई क्योंकि वाइफ साथ में थी और ये बोला कि आप भी शूट कर लो, तो आपको लगा तो मैंने सर हाँ कर लेंगे, क्यों नहीं कर लेंगे यार, लड़की की बात है। तो ये बोला ठीक है तो हम लोग शूट कर लेते हैं, फिर लास्ट में तुम भी ऐसे ही चलते हुए शूट कर लेना, बाबू बोल देना अपने मिसेज को, नहीं बोला हाँ ये नहीं बोला किसके साथ में, किसके साथ में। अच्छा अच्छा, तो बोला ऐसे ही चलते हुए और स्लो मोशन में ऐसे ही कर लेंगे। तो मैंने हाँ क्यों ना कर लेंगे, मैं ये तो है कर लेंगे। तो बोला ठीक है हम कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में बोले कि भाई चलो आ जाओ, किसके साथ? बोले ये तो है लड़की के साथ। हाँ भाई ये ना होगा भाई, इसी टाइम पे भाभी जी पास में खड़ी। अच्छा मतलब हाँ, तो मैंने सोचा ये तो घर में लड़ाई करवा देगा लग रहा है, चलवा देगा घर में लट्टे। भाई रिएक्शन उस समय नहीं होता। अरे उस टाइम मतलब भाभी जी कुछ नहीं बोली आपको? उस समय नहीं हुआ। क्या कह रहे चलो तुम घर में बता? नहीं तब तो बोला तो कोई बात नहीं कर लो ना तुम मेरे सामने। उस समय तो मैसेज भी बोल रहे थे, सपोर्ट कर रही थी, कर लो ना क्या कर लो, फोटो शूट कर लो। तो बोले मैं क्यों कर लूं? हाँ तो तुम पहले भी तो किया होगा। वो लड़की पहली बार ही आई है। अच्छा मतलब भाभी जी को पूरा शक हो रहा है। तो मैं सोचा कि यार मतलब भाभी जी का डर पूरा तुम्हारे दिल में बना हुआ है। तो भाई बनाना पड़ेगा ना। नहीं बनाओगे खौफ तो है, नहीं बनाओगे तो लाइफ तो मतलब ऊंची नीचे भी अप डाउन हो रहेगी। संतुलन बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब तुम बाहर का खर्चा चला रहे हो, घर में जो पूरा संतुलन बनाए रखे ना वो भाभी जी ने बनाया है। उनका मतलब वो भी बात सही है, बड़ा रोल है, जायज है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं घूम रहा है कोई नहीं हवा में, तो इसीलिए उन्होंने अपना भाभी चलाई। तो फिर वीडियो आपने भाभी साथ ही बनाया एंड में। हाँ फिर लास्ट में फिर स्लो मोशन बनाया। अच्छा वो फिर घर पे जाके फिर प्रमोशन मिले होंगे थोड़ा? हाँ थोड़ा बहुत दिए, फिर एंटर कर लिया क्योंकि बीवी तो मेरी है, करना पड़ता। तो बोला कि भाई पहले भी बनाए होंगे। अच्छा ना तो अब तो बात तो हाँ बनाई तो होगी। मैंने क्यों बनाई होगी, मैं तो देखा ही नहीं है उसको, पहली बार देखा है। तो बोले तुमने तो पहले बनाया था। ये लोग फिर मैंने नहीं भैया ये लोग अपना लाते हैं शूट करते हैं, हम तो भाई देखने गए थे ना। मैं तो इतने दिन बाद आया फर्स्ट टाइम, मैं इतने दिन बाद आया हूँ, मैं क्यों देखूंगा और मैं क्यों बनाऊंगा। सही बात, बनाना होगा तो आपके साथ बनाएंगे। सही बात, तो भैया अपने घर को संभाल के रखना जरूरी है। चलो ये बात, घर को भी संभाल के रखना जरूरी है, अपनी जिंदगी को भी संभाल के। लव लाइफ है तो भाई स्ट्रगल करो भी, अगर अगर शादी नहीं है तो मेहनत पे ध्यान दो। शादी हो गई है तो दोनों चीज पे ध्यान देना, मेहनत भी करनी है, बीवी को भी संभालना। ये बात तो हुई है, मुझे एक चीज और बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ जो आपके लंगोटी आ रहा है वो कौन सी पोस्ट पे और आप कौन सी पोस्ट पे, मुझे ये और बता दो। देखिए जहाँ तक हमें पता है जी, तो वो लोग सारे उत्तर प्रदेश पुलिस में यूपी में लगभग हुए है, वो हेड कांस्टेबल में और कांस्टेबल पोस्ट में है, और वर्तमान में ठीक है वो भी अपना जो भी स्ट्रगल किया है उनके साथ, उन्होंने मेहनत भी किया है और वो उस जगह पे है, और भगवान ने मेरी भी सुनी है कि मैं भी देश की सेवा करने के लिए योग्य है। वो आपके मन की इच्छा पूरी, मन की इच्छा पूरी मेरा खास कर इसी में था कि मैं जितना हो सके सेवा कर सके 100% दूं। सही बात है, तो ऊपर वाले ने वो भी अच्छा सुनिया है ना। तो आप फिर ये तो बताओ पोस्ट कहां पे थी आपकी? तो मेरी पोस्ट तो बता तो रहा हूँ की वो हेड कांस्टेबल थी, मैं सहायक उप निरीक्षक वर्तमान हूँ। वो सारे लड़के रैंक में तो ठीक है लेकिन डाउन में है, मतलब लेकिन ऊपर वाले ने यही है कि मेरे को इस काबिल समझा कि यहाँ पे पहुँचा है देश के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप भी मेहनत करिए और मैं देश की सेवा करिए जितना बन सके उतना करिए। लड़कियों पे ज्यादा ध्यान दे, उनको बोल दो दूर हो जाओ। लाइफ में कुछ पाना है तो, अगर लाइफ में कुछ पाना है जी तो इन चीजों से दूर रहना पड़ेगा, शायद आप समझ रहे होंगे। हाँ, और हाँ तो
इन चीजों से दूर जरूरी है रहना। अगर आप सक्सेस हो गए तो ये भी मिलेंगे, और अगर आप अनसक्सेस हो रहे हो उनकी वजह से, तो आपको ये भी चले जाएंगे छोड़ के, और आप भी सारी चीज बर्बाद हो जाएंगे। वही की वही रहोगे, ये भी आपको साथ छोड़ देंगे। तो इसलिए आप पहले सक्सेस होइए, उसके बाद अपना ही करो, अपने आप आ जाएंगे सब। सही बात है। एक चीज और इस लड़के को समझा दो, ये भी इसी नहीं, वो भी अपनी जगह, वो भी तैयारी है, वो भी अपना स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहा, वो भी अपना स्ट्रगल कर रहा है, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और मैं सभी को कहूँगा कि आप भी स्ट्रगल करिए, मेहनत करिए, और ऐसे मुकाम पर जाइए ताकि आपके माता पिता गर्व कर सके। जाते जाते चलो एक बात, मेरी भी स्माइल देख कैसा लगता है, मैं क्या करूँगा, ये रंडवा मरेगा। बहुत तगड़ी बेइज्जती मारी है। कोई नहीं, बेइज्जती भी दोस्त यार से अंदर। अब मैं बोलूंगा, ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो, बोल रहे हाई स्कूल। दो बार बोला हाई स्कूल, ये पूछ रहे कौन सी क्लास। अरे भाई क्या होता है ना, बुद्धि है ना थोड़ा, तो काम कम गर्म पड़ रही है ना, देखो इनकी वर्दी देखी, मुझे पसीना छूट रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है ना। चलो ठीक है, कोई नहीं, चलो बाकी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आपने हमारी ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ें बताई, और वो बहुत सारी चीज़ें समझेंगे भी होगे, और मेहनत भी करेंगे आगे। बिल्कुल। और आगे बढ़ेंगे भी, हम भी बढ़ेंगे, तुम भी बढ़ोगे। और आपसे दोबारा मुलाकात होगी कभी, वैसे तो मुलाकात होती रहेगी पॉडकास्ट में, कभी दोबारा होगी। बाकी इस पॉडकास्ट को करते हैं जय हिंद, जय भारत। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर देना लाइक, और एक कमेंट जरूर करके जाना। बाकी बाय बाय, जय श्री राम।